तो दोस्तों आपने जो साउंड है सुना दोस्तों, इस प्रकार आप भी टेक्स्ट को लिखकर आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी साउंड ट्रैक को यहाँ पर आपको राइट करना है, यानी आपको कोई भी लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद आपको जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो लैंग्वेज में आपका जो यहाँ पर वॉइस नोट बन जाएगा, यानी वॉइस एक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसे बनाना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो इसका नाम है आइडियो लाइव। तो दोस्तों आपको आइडियो लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करने का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ओपन होने के बाद बहुत सारे इसमें आपको फीचर मिल जाएंगे। दोस्तों आपको इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको जो फीचर है बिना सब्सक्रिप्शन के ही आपको यहाँ पर मिल जाता है, टेक्स्ट टू स्पीच, नहीं तो आपको यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट। यदि आप सबटाइटल के लिए यहाँ पर अपना स्पीच सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका सबटाइटल तैयार हो जाएगा। यदि आपका सबटाइटल है उसके बाद आपका स्पीच भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबटाइटल का भी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच का जो यहाँ पर ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पीच इंजन है। दोस्तों स्पीच इंजन में आपको यहाँ पर गूगल को सेलेक्ट कर लेना है, स्पीच सर्विसेज बाय गूगल। दोस्तों यदि आप अदर को सेलेक्ट करते हैं तो आपको वॉइस नोट यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। वॉइस नोट बोले तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज के और अलग अलग वॉइस नोट यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अलग अलग लैंग्वेज का। तो दोस्तों इसमें आपका काफ़ी नेट का खर्च आ सकता है, लेकिन आप गूगल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई भी लैंग्वेज को यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना है। डायरेक्टली आप ऑनलाइन ही यहाँ पर अपना डेटा को राइट करके आप अपने म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपने यहाँ पर साउंड को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे क्रिएट करना है, यानी वॉइस डाटा कैसे बनाना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्लैंक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लिखने के लिए, ऐड टेक्स्ट एंड देन प्ले। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको कुछ भी लिखना है, यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। सो दोस्तों मैं इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिख दिया हूँ वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग जो भी करना है, आप जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पर अपना यहाँ पर वॉइस नोट क्रिएट करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस लैंग्वेज को यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कर लेना है। मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ तो हिंदी लैंग्वेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपको बहुत सारे लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मैं हिंदी में बना रहा हूँ इसलिए हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर वॉइस नोट के यहाँ पर डेमो यानी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों मैं कोई सभी इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे डाउनलोड वॉइस डेटा, या फिर आपको यहाँ पर बगल में ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड करने का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप जो भी नेम देना चाहते हैं नेम यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आप इसमें नेम देना चाहते हैं, जो भी अपना नेम यहाँ पर अपना म्यूजिक का नेम दे देना है। जैसे मैं अपना नेम दे देता हूँ। नेम देने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका यहाँ पर वॉइस नोट तैयार हो गया है। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम प्ले करके दिखाते हैं। तो दोस्तों प्ले करने के लिए प्ले वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार वॉइस नोट तैयार कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के रोजाना टेक्निकल वीडियोज देखने के लिए।